आई थिंक 62 और 60s में मेरे मार्क्स थे आउट ऑफ 300 फिजिक्स में, बट एट द एंड ऑफ द सेशन जब मैंने एग्ज़ाम दिया तब आउट ऑफ 300 मेरे 292 थे फिजिक्स में, ठीक है। सो मार्क्स के कम आ जाने से डीमोटिवेट नहीं होना है, मार्क्स सक्सेस का क्राइटेरिया है ही नहीं, पहली चीज़ तो देख लीजिए। आपके फर्स्ट 2, 3, 4, 5 टेस्ट में कुछ भी मार्क्स में डजंट मैटर, आपको इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए अपनी पढ़ाई से। Hello everyone, this is Shruti Jain. Welcome you all to the video. Today I am sitting with Parvez Khan sir, NEET Functional Head at Kota Unacademy Center. Welcome to the show sir. Thank you so much Shruti, thank you so much. Let's begin with the first question. So sir, what motivated you to be an educator? Kya aisi cheez rahi jisne aapko bahut kafi motivate kiya to become an educator? Right. First of all to main apni journey ka starting bata raha hu tumhe aur kis tarah se main motivate hua. मैं इस प्रोफेशन के अंदर एज ए प्रोफेशनल नहीं आया था, राइट ये मेरी नीड थी बेसिकली। लेकिन जब मैंने जब कॉलेज में था फर्स्ट ईयर से तो मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, एंड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में पढ़ाते पढ़ाते मुझे समझ में आ गया कि यार कॉलेज के साथ साथ नीड की वजह से ट्यूशन से स्टार्ट किया था। लेकिन जब मुझे लगा कि यार शायद मैं टीचिंग के लिए ही बनाऊँ, और जब रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने लगे और बच्चों का करियर बनना शुरू हुआ तो ऐसा लगने लगा कि यार नहीं, ये प्रोफेशन ज़्यादा बेहतर है जहाँ आप दूसरों का करियर बनाते हो। यहाँ दो चीज़ें बहुत बेहतर होती हैं। पहली चीज़, जब आप किसी बच्चे को किसी भी स्टूडेंट को बेसिक से कुछ चीज़ें सिखाते हो और टॉप तक लेके जाते हो और वो अपनी जर्नी स्टार्ट करता है तो वो आपको पूरी लाइफ याद रखता है, क्योंकि आपने उसके करियर को बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। और जैसे जैसे आप आगे जर्नी को ट्रेवल करते हैं वैसे वैसे आपको एक नए नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, डिफरेंट काइंड ऑफ डी लर्नर्स आपको फेस करने पड़ते हैं। और जब जैसे जैसे आप नए नए बच्चों को सिखा कर आगे बढ़ाते हो तो आपको और अच्छा से अच्छा करने का और लगता है कि यार मुझे और बेहतर करना चाहिए। हर दिन आपको लगता है कि यार पिछले दिन से मुझे ज़्यादा बेहतर करना चाहिए, तब जाके लर्नर्स का फ़ायदा होगा, तब जाके स्टूडेंट्स का फ़ायदा होगा। तो असल में आपका प्रोफेशन ही ऐसा कि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जॉब है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ आप किसी बच्चे के 2 दिन या 4 दिन की बात नहीं कर रहे, यहाँ पूरे फ्यूचर उसका दाव पे लगा होता है। तो मोटिवेशन तो सेल्फ मोटिवेशन ऑटोमेटिकली निकल के आता है, क्योंकि इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जॉब है, इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, तो मोटिवेशन तो आपको मिलना ही मिलना है। ट्रू, एग्जैक्टली। हाँ, कितनी अच्छी बात सर ने कही है रिगार्डिंग हाउ ही स्टार्टेड हिज करियर एज एन एजुकेटर। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन हियर ओनली अराइजेस सर, दैट वी नो दैट यू आर वेरी पंचुअल, तो इसके अलावा ऐसी कौन सी आपकी हैबिट्स है, गुड हैबिट्स जो हमारे लर्नर्स के लिए काफ़ी यूजफुल हो सकती है, हमारे व्यूअर्स को काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं, उसके बारे में कुछ बताइए सर। सिंपल सी बात जानता हूँ कि अगर आप पूरे दिन में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, टाइम वेस्ट इन द सेंस एवरीथिंग इज रिलेटिव, कि यार ठीक है आप टाइम कहाँ कहाँ वेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसा होता है कि गेम्स में जाते हैं ना, बहुत बेसिक सी बात, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स पर्सन भी रहा हूँ तो मैं जानता हूँ कि आज भी मैं खेलने जाता हूँ और अभी भी मैं थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखता हूँ, तो डेफिनेटली मुझे पता है कि स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होने से कभी टाइम वेस्ट नहीं होता। हर मैं सभी स्टूडेंट्स को सभी लर्नर्स को ये सलाह मशवरा या सजेशन देना चाहूँगा कि आप कितना भी बिजी हो जाएं, एटलीस्ट स्टूडेंट लाइफ में भी आप कम से कम 30 से 40 मिनट्स डेली किसी न किसी गेम के लिए या किसी न किसी फिजिकल एक्टिविटी के लिए निकालिए, राइट। अगर आप ऐसा करते हैं तो यू विल बी फिट। जब आप फिजिकली फिट होंगे तो आप मेंटली फिट होंगे। कई बार लोगों को लगता है कि हम आधे घंटे वर्कआउट करेंगे थक जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप जब आधा घंटा या 40 मिनट वर्कआउट करते हैं या आप कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो आप डेफिनेटली ज़्यादा पॉजिटिव, ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं, पूरे दिन आपका बेहतर निकलेगा, आपका जो पढ़ने का भी आउटपुट बेहतर मिलेगा। तो पंक्चुअलिटी की जो आप बात कर रही हो, पंक्चुअलिटी के अलावा आपको क्या पसंद है, सबसे ज़रूरी चीज़ ये लाइफ के अंदर, अगर आपने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया है, आपने हर जगह अपना टाइम सेव कर लिया और अपना राइट जगह पर अपना टाइम लगा दिया है तो डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, यहाँ से मुझे एक बात समझ में आती है, मैथमेटिक्स का रूल होता है छोटी, yes, कि अगर आप नेगेटिव नेगेटिव को ऐड करेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को ऐड करेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा और नेगेटिव पॉजिटिव को ऐड करेंगे तो नेगेटिव मिलेगा। इसका ये सिंपल से मतलब ये होता है कि अगर जो काम नहीं करना है वो कभी नहीं करना है तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, जो करना है वो हर हाल में करना है तो भी पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, जो नहीं करना है वो अगर किया तो नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। तो जो लर्नर से वो अपना आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो अपनी पूरी एनर्जी को राइट जगह पे लगाएं और मैं वही करता हूँ। अनदर इम्पॉर्टेंट यू नो हेल्प और आई कैन से एक टिप जो सर ने अभी दी,
पंचुअलिटी के साथ साथ टाइम सेव करना, एंड इसी के साथ कितने मैथमेटिकल वे में सर ने इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया. एंड आई नो ऑल द लर्नर्स एंड द व्यूअर्स आर यू नो स्मार्ट इनफ टू जज कि वो कहाँ पे अपना टाइम सेव कर रहे हैं और कैसे उनको आगे करना है. ओके, तो दिस इज़ माई थर्ड क्वेश्चन टू यू सर. जैसे आपने अभी स्पोर्ट्स के बारे में बात किया, तो आप कौन से स्पोर्ट्स खेलते हैं, खेले हैं? देखो, मेनली तो मैं क्रिकेट में था और क्रिकेट खेला हूँ और काफ़ी अच्छे लेवल तक खेला हूँ. आज भी मतलब जब मैं स्टेडियम जाता हूँ, मुझे दुनिया की सबसे बेहतरीन जगह आज भी स्टेडियम लगती है. मतलब मैं जब स्टेडियम जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं किसी जन्नत में आ चुका हूँ. मुझे इतना बेहतरीन फील होता है जब स्टेडियम जाता हूँ, बहुत एनर्जेटिक फील करता हूँ. गेम्स में अगर कॉलेज टाइम पर बात की जाए तो एथलेटिक्स के सभी गेम्स खेले, और कॉलेज में एक बार स्पोर्ट्स वीक हुआ था तो बहुत सारे मेडिकल कॉलेज की टीम्स आई थी, तो मैं वहाँ पर 8 या 9 गोल्ड मेडल में एक्टर में अकेले के पास थे. 8 या 9 गोल्ड मेडल, आई थिंक 8 या 9 थे. 100 meters, 200 meters, उसके अलावा शॉर्ट पुट, जेवलिन थ्रो, लॉन्ग जंप, ये सब गोल्ड मेडल मेरे पास थे. तो एक है ना कि यार कहीं ना कहीं आप कोई भी एक गेम अगर अच्छा खेलते हैं तो डेफिनेटली वो आपके अंदर एक स्किल्स हैं, आप दूसरे गेम में भी अच्छा कर जाएंगे. अगर आप कोई वही सिंपल सी चीज़ है, जो भी टास्क आपको दिया जाए ना, उस टास्क में 100% इन्वॉल्व हो जाए, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा. तो अगर मैं अभी बात करूं बच्चों से कि अगर ये पढ़ाई कर रहे हैं तो इनका ये एक साल का जो पीरियड होता है ये टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं. आपको टास्क क्या दिया गया है? आपको टास्क दिया गया है कि आपको पढ़ाई करनी है. तो आप अपनी स्टडी टेबल से मोहब्बत करें, अपनी बुक्स से मोहब्बत करें, अपने करियर से मोहब्बत करें, डेफिनेटली आपके रिजल्ट्स पॉजिटिव मिलेंगे. आपको जो टास्क दिया है उसमें 101% इन्वॉल्व हो जाएं, आपको किसी भी डायरेक्शन में देखने की जरूरत नहीं है, यू डेफिनेटली अचीव योर गोल. सो लर्नर्स, सर आपको डायरेक्टिव दे रहे हैं, ही इज़ मेकिंग यू अंडरस्टैंड कि आपको क्या करना है, कैसे आपके आगे के 2 साल जो हैं यूटिलाइज करने हैं. ओके, सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू सर इज़ एनी वन टर्निंग पॉइंट, ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में रहा हो जो हमारे लर्नर्स को, व्यूअर्स को मोटिवेट करे? मैं अपना आप ही मोटिवेशन की मिसाल हूँ. वाओ, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि व्हेन आई वाज, मैंने कहा ना, जो मैं फर्स्ट ईयर में था तो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी उस वक्त उन दिनों. तो ट्यूशन्स पढ़ाना पड़ता था, राइट? और ट्यूशन पढ़ाना पड़ता था तो ट्यूशन्स इतनी सी नीड थी कि यार ठीक है, अपना इतना अर्न कर लें कि अपना कॉलेज का खर्चा निकल जाए और अपनी पढ़ाई ठीक से हो जाए. वो ना अर्निंग एंड लर्निंग वाली कहानी टुगेदर चलती थी. पर तुम बिलीव नहीं करोगी, व्हेन आई वाज इन थर्ड ईयर, मेरी अर्निंग मेरे कॉलेज प्रिंसिपल से ज़्यादा थी. इन थर्ड ईयर? थर्ड ईयर. ये एग्जाम्पल मेरे वाइवा के अंदर मेरे हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट ने कॉलेज प्रिंसिपल को दिया, बिकॉज ऑफ मेरा जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट थे उनका स्टूडेंट, उनका बेटा जो था मेरा स्टूडेंट था. अच्छा. तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता था, तो उसने एक बार मुझसे मिलने के लिए बुलाया उनको. तो वो मुझे देख कर सरप्राइज थे कि ये यहाँ क्या कर रहा है. तो उन्होंने जब मुझसे मुलाकात की बाद में अलग से जा करके, तो मैंने बताया कि सारी कहानी कभी मैं बेसिकली पढ़ाई करने के लिए अर्न करता हूँ और इसलिए मैं ट्यूशन चलाता हूँ. तो उस वक्त मेरे पास थर्ड ईयर में जब मैं था तो 380 स्टूडेंट्स पढ़ते थे. तो उनका जो पूरा एनुअल फी कलेक्शन होता था वो इतना होता था कि मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया था कि शायद मैं टीचिंग के लिए बनाऊँ, ना कि किसी और प्रोफेशन के लिए. तो मैं एक जो बात करने वाली मोटिवेशन की यही कि आजकल मैं देखता हूँ कई बच्चे जो होते हैं छोटी छोटी बातों के लेकर होपलेस हो जाते हैं. हमारे पास हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, या मेरे पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है जो बाकी लोगों के पास है. आप देखो, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग ना, बहुत मैंने कहीं पर पढ़ा था या किसी का लेक्चर मैंने सुना था, वहाँ बहुत अच्छी बात मुझे ये लगी कि लाइफ अपने आप में एक एग्ज़ाम है, लेकिन ऑर्डिनरी एग्जाम और लाइफ के एग्जाम में क्या डिफरेंस होता है ये आपको समझना पड़ेगा. ऑर्डिनरी एग्जाम्स के अंदर आप अगर आप जाएंगे तो एग्जामिनेशन रूम के अंदर सभी लोगों का पेपर सेम होता है. तुम्हारा पेपर भी वही है जो मेरा पेपर है. अगर मुझे चीज़ें नहीं आती हैं और मैं किसी तरह से चीट करके तुम्हें कॉपी कर लेता हूँ तो भी मैं पास हो जाऊँगा, राइट? क्योंकि आपका सिलेबस भी एक था और पेपर भी एक था. लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप आ जाएँ तो तुम्हारी सर्कमस्टांसेस अलग हैं, मेरी सर्कमस्टांसेस अलग हैं, तुम्हारी फैसिलिटीज़ अलग हैं, मेरी फैसिलिटीज़ अलग हैं. तो मैं कैसे कंपेयर कर सकता हूँ कि तुम्हें कॉपी करके मैं सक्सेस हो सकता हूँ? मुझे अपने आप को देखना पड़ेगा, हर दिन अपने आप को आगे बूस्ट करना पड़ेगा, आगे मूव करने के लिए. कहीं ना कहीं मैं अपने आप को हर दिन इंप्रूव करूँगा तो मैं सक्सेस पाऊँगा. तो कभी दूसरे से कंपेरिजन ना करें, राइट? कभी भी दूसरे को देख के होपलेस ना हो कि उसके पास इतनी फैसिलिटीज़ है, इट मे बी पॉसिबल इन फ्यूचर आप उससे कई गुना आगे निकल जाएँ. और कभी भी ज़िंदगी में अगर आपको ऐसा लगे कि आप हार रहे हैं तो आप मान लें कि आप एक बेहतर तजुर्बा गेन करने जा रहे हैं. इसलिए हारने से कभी निराश नहीं होना चाहिए. एज ए स्पोर्ट्स पर्सन, जो मुझे सबसे बेहतर बात लगती है किसी स्पोर्ट्स पर्सन की, वो ये होती है कि स्पोर्ट्स पर्सन जो होता है वो हार को पॉजिटिवली एक्सेप्ट करता है. वो जानता है कि इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, है ना? आप कितना भी लेजेंडरी प्लेयर हो,
चाहे मेसी हो, रोनाल्डो, सचिन तेंदुलकर, इन सब ने हार को एक्सेप्ट किया है. कभी ना कभी ये ऐसे मैचेस हारे जो जीतने वाले थे, राइट? तो वो पॉजिटिवली एक्सेप्ट करते हैं, उनको पता आज मैं हार रहा हूँ, कल पक्का जीतूंगा. तो वो अपनी लाइफ में भी उतारे ना आप लोग. हो सकता है आज आपको लग रहा हो कि यार आज आपके लिए मुश्किलें हैं बहुत सारी, आज आपको हार नज़र आ रही हो, पर ज़िंदगी में आगे आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिल सकती है. और एक और बात बता देता हूँ, मैं शुरू से ही मानता हूँ कि लाइफ मतलब ज़िंदगी की सक्सेस किसी डिग्री की मोहताज नहीं होती. अगर ऐसा होता तो बहुत से लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन वो बड़ी बड़ी डिग्री वालों को अपने अंदर में जॉब करवाते हैं. सो सक्सेस इज़ टोटली डिफरेंट थिंग. ठीक है, आज आप डॉक्टर्स बनने के लिए प्रैक्टिस मेहनत कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, आप IIT की तैयारी कर रहे हैं, आपको जो टास्क मिला है आप 100% दें. इन फ्यूचर इट मे बी पॉसिबल, अगर आप डॉक्टर ना बने तो डॉक्टर मेकर बन जाएंगे. अगर आप IIT आपने क्वालिफाई नहीं किया तो इट मे बी पॉसिबल फ्यूचर में 10 IIT आपके अंदर में काम कर रहे हो. तो फ्यूचर तो आपने देखा है नहीं, इसलिए आप हमेशा पॉजिटिव सोचें. और मैंने भी यही किया, मैं कह रहा हूँ ना कि जो मुझे लगता था कि मुझे मेरा मतलब एक ज़िंदगी में एक बहुत बहुत मैं फोकस्ड हूँ किसी भी चीज़ को लेकर के, कि आप अगर मुझे कोई भी टास्क दोगे तो मैं उसमें अपना 100% दूंगा. मैं बाइफर्केट नहीं करूँगा कि अपने काम को. तो जब आप 100% लगाते हैं तो सक्सेस की गारंटी होती ही है. एग्जैक्टली. एक और मुझे अभी एक सर का पॉइंट मिल गया है जो लर्नर्स को सीखना चाहिए. अभी जो गुड हैबिट्स की मैंने बात की थी, सर ने कहा था पंचुअलिटी के अलावा एक और गुड चीज़ दैट यू हैव टू बी फोकस्ड. लर्नर्स, यू हैव टू बी फोकस्ड ऑन योर हार्ड वर्क. एंड इसके अलावा सर ने कितनी प्यारी बात कही है दैट अपनी हार को ही अपनी सक्सेस का जरिया बनाए, यू विल डेफिनेटली विन, राइट? सो इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन सर, नीट की जो तैयारी कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स, लर्नर्स, उनको कोई एक फंडामेंटल फॉलो करना चाहिए लाइक टॉपर बनने के लिए, कुछ स्ट्रैटेजी? ठीक है, ये तुमने बहुत अच्छा पॉइंट मुझे बोला है, टॉपर बनने के लिए, राइट? टॉपर बनने के लिए यार, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टॉपर? हो सकता है कि आज आपने अपना नीट टॉप किया हो, आपका रैंक में कहीं फोटो लग जाएगा, ऑल इंडिया में आपका ये रैंक आया. क्या टॉप रैंक गुड फ्यूचर की गारंटी होती है? अच्छा एक बात बताइए, आपने क्या कभी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो आपने उससे पूछा था कि आपकी रैंक क्या थी मेडिकल एग्जाम में, तब मैं ट्रीटमेंट करवाऊंगा? इट मे बी पॉसिबल कि फर्स्ट रैंकर जो नीट का है उससे बेहतर डॉक्टर लास्ट रैंकर वाला बने. क्योंकि आप कितना बेहतर डॉक्टर बनने वाले हैं या कितना बेहतर इंजीनियर बनने वाले हैं या आप लाइफ में अपने प्रोफेशन में कितने सक्सेस होने वाले हैं, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप अपने पेशे अपने काम को के लिए कितना पैशनेट हैं, उसको कितना एंजॉय करते हैं. आपने देखा होगा लाइफ के अंदर कि लोगों के दूसरों का जॉब हमेशा अपने जॉब से बेहतर नजर आता है, उसको लगता है यार ये बंदा जो है ना ये शायद मेरी जॉब होती, मैं बहुत एंजॉय करता लाइफ. अगर आप वहाँ उसके फ्रेम में जाके बैठ के बात करोगे तो आपको लगेगा कि यार आपकी जॉब उसको बेहतर लगती है. तो अल्टीमेटली सक्सेस क्या है? सक्सेस ये है कि यार आप अपने जॉब को 100% एंजॉय करें, जो भी आपको मिला है उसको एंजॉय करें, आप सक्सेस होंगे. तो जो रैंक वाली बात है, रैंक वाली बात कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि ठीक है, आपको एक लाइफ में मौका मिलता है नेशनल लेवल पर अपने आपको हाईलाइट करने का. पूरी ज़िंदगी आप कह सकते हैं कि मेरी थर्ड रैंक थी, मेरी फोर्थ रैंक थी, मेरी फर्स्ट रैंक थी, राइट? वो एक टैग पूरी लाइफ आपका रहता है. तो रैंक के लिए हार्डवर्क तो करना चाहिए, मैं इसको बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा हूँ. और आप वो कहते हैं ना कि आप अगर आसमान में छलांग मारोगे तब कहीं जाके पाँचवें छठे माले पे जाके गिरोगे. तो अगर आप टॉप रैंक के लिए हार्डवर्क करोगे तो कहीं ना कहीं ठीक ठाक रैंक आपकी आ ही जाएगी. पर आप सिर्फ सिलेक्शन के लिए पढ़ोगे तो क्या गारंटी आपका सिलेक्शन हो भी जाए? क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत टफ है, राइट? सो अब हम यहाँ ये बात कर लेते हैं कि टॉप रैंक के लिए आपको क्या करना चाहिए, राइट? जितने भी टॉप रैंकर्स होते हैं उनके अंदर मैंने एक बहुत कॉमन चीज़ देखी, दे आर स्ट्रिक्टली फॉलोअर. वो अपने गाइड्स, अपने कोच, अपने पेरेंट्स के इंस्ट्रक्शन को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं. वो अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाते. जो वही मैं कह रहा हूँ, जो उसको टास्क आपने दे दिया है उसको 100% पूरा करेगा. और यहाँ क्या होता है कि जो ऑर्डिनरी बच्चा होता है वो क्या कर रहा होता है, फाइट कर रहा होता है. वो एक सिलेक्शन ऑफ चॉइस ले लेता है कि यार मुझे ये कंटेंट पढ़ना है, ये छोड़ देना है, ये पढ़ना है, ये छोड़ देना है. जब आप ऐसा करोगे तो आप रैंक तो छोड़ दीजिए, आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा. जो भी टास्क आपको दिया गया, जो भी आपको टीचर्स अपने सिलेबस का कंटेंट पढ़ा रहे हैं, 100% एफिशिएंसी से आप उसको तैयार करें और नए नए टास्क के लिए अपने आप को प्रिपेयर्ड करें. हर दिन नया चैलेंज लें, अपने चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आपको मज़ा आना चाहिए. अगर आपको चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मज़ा आ रहा है, इसका मतलब आप बहुत आगे निकलने वाले हैं. लेकिन आप छोटे छोटे चैलेंज को लेकर हार जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप लाइफ में सक्सेस होंगे. लर्नर्स, अगेन अ गुड पॉइंट बाय परवेज सर, दैट वो जैसा कह रहे हैं, यू हैव टू फॉलो, इफ यू विल फॉलो दैट यू आर डेफिनेटली गोइंग टू विन. सर, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सर, लर्नर्स जो हैं जब टेस्ट देते हैं उनके अगर मार्क्स कम आ जाते हैं तो वो डीमोटिवेट हो जाते हैं काफ़ी, तो ऐसे में स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए एंड एनीथिंग फॉर देम?
Shruti, I got 38% marks in first test. Okay. And I got, I think 62 or 60, 60s में मेरे marks out of 300 physics में. But at the end of the session, जब मैंने exam दिया, तब out of 300 मेरे 292 थे physics में. ठीक है. So, marks के कम आ जाने से demotivate नहीं होना है. Marks success का criteria है ही नहीं, पहली चीज़ तो देख लीजिए. आपके फर्स्ट 2, 3, 4, 5 टेस्ट में कुछ भी मार्क्स में डजंट मैटर. आपको इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए अपनी पढ़ाई से कि यार जो भी मैं टास्क कर रहा हूँ वो कम्प्लीटली पूरा कर रहा हूँ. देखिए क्या होता है, साइंस आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, हिस्ट्री का भी अपने लॉजिक्स होते हैं, लेकिन मैं साइंस की बात कर रहा हूँ. साइंस जब आप पढ़ते हो, साइंस में एक चेंज सिस्टम चलता है, कंसेप्चुअल चेंज चलती है, राइट. तो आपके शुरुआत के जो कंसेप्ट हैं उनको इतना स्ट्रॉन्ग आप करें धीरे धीरे करके, वही कंसेप्ट बाद में रिपीटेड मैनर में काम आते हैं. इन जनरल क्या होता है कि ज़्यादातर लर्नर्स जो होते हैं वो शुरुआत में चीज़ों को बहुत वीकली प्रिपेयर करते हैं, या ऐसा मान के चलें कि उनके पास बहुत सारा होमवर्क होता है तो ठीक से प्रिपेयर नहीं कर पाते, और ठीक से प्रिपेयर नहीं कर पाते तो जब वो आगे मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर, तो वही कंसेप्ट जो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं वो उनको रिकॉल नहीं कर पाते. एक द सेम मोमेंट क्लास में बैठा हुआ दूसरा बच्चा जो है उसको तेज़ी से रिप्लाई कर रहा होता है, तो वो भी उनको डिमोरलाइज करने का एक रीज़न बनता है कि यार मेरी क्लास में बैठा हुआ जो एक लर्नर है वो बहुत तेज़ी से रिस्पॉन्स कर रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ. उससे भी आपको कंपेरिजन करने की ज़रूरत नहीं है. आप सिर्फ इतना करें कि आपके जो फंडामेंटल कंसेप्ट्स हैं उनको इतना स्ट्रॉन्ग कर लें, वही कंसेप्ट बार 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 यूज़ होते हैं. तो इन जनरल यही होता है, मैं कई बार हर दिन बच्चों को समझाता हूँ, हर दिन यही चीज़ से देखने को मिलती है कि अगर आप किसी एक लर्नर से आगे पूछोगे कि आपके पिछले टेस्ट में क्या स्कोर था, फॉर एग्जाम्पल मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, फिजिक्स की बात करता हूँ, हम 180 मार्क का टेस्ट लेते हैं, सपोज किसी बच्चे के 50 मार्क्स आए, ओनली 50 मार्क्स, तो वो करता क्या है, वो ये करता है कि उसको लगता है मेरे बहुत कम मार्क्स हैं, और जब मेरे इतने कम मार्क्स हैं तो शायद मैं क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा, तो एक नेगेटिविटी दिमाग के अंदर लेके आ जाता है, दूसरे बच्चों से अपना कंपैरिजन स्टार्ट कर देता है. डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स. आपको करना क्या है, आपको सिर्फ इतना करना है कि हर चैप्टर के अंदर किसी भी एक चैप्टर को उठा लीजिए, मुश्किल से 20-25-30 कंसेप्ट ऐसे होते हैं, ये तो मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं, किसी में 5 कंसेप्ट, किसी में 7 कंसेप्ट यूज़ होते हैं जो बार बार अलग तरह से यूज़ होते हैं, किसी में 10 कंसेप्ट होते हैं, किसी में 15 कंसेप्ट होते हैं, तो उन पे बेस्ड जो फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को आप कलेक्ट कीजिए. 50 क्वेश्चंस आप लीजिए, जैसे फिजिक्स के एग्जांपल लेता हूँ मैं आपको, फॉर एग्जांपल न्यूटन लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन एक चैप्टर है, उस चैप्टर पे आप क्या करें कि जो 50 डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस हैं उनको उठाइए, उनको विद कंसेप्ट रिपीटेड मैनर में इतनी बार सोल्व कीजिए कि हर कंसेप्ट आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हो जाए. ठीक है, दूसरी चीज़, आपको अगर उस कंसेप्ट पे फ्रेम करके मल्टीपल क्वेश्चंस दे दिए जाएँ तो आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम लेग ना हो, ये बहुत बड़ा फैक्टर है. देखो मैं एक बात समझाता हूँ, मैक्सिमम बच्चे क्या कर रहे हैं कि उनको ये लगता है कि यार कोई भी कंसेप्ट मेरे समझ में आ गया है. समझ में आ जाना इज नॉट सफिशियंट, समझ में आ जाना इज टोटली डिफरेंट थिंग. लेकिन जब आपसे उस क्वेश्चन के ऊपर क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाए अलग अलग तरीके से, तब आपका दिमाग इमीडिएटली रिस्पोंड करे तो आप कॉम्पिटिशन के लिए तैयार हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक क्वेश्चन करने के लिए दिया, आपने क्वेश्चन सोल्व किया, लेकिन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपने 2 या 3 ट्राई किए तब जाके सही आंसर आया. आपने सोल्व तो कर दिया एंड डेफिनेटली आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा, तभी आप आंसर लेके आए. पर आप मुझे बताइए, एग्जाम के अंदर आपको उसी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 30 से 40 सेकंड्स मिलेगा, क्या आप 30 से 40 सेकंड्स को कर पाते, नहीं कर पाते ना. तो प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी होती है कि चीज़ें आपको आती हैं, चीज़ें आपको बहुत ठीक से आती हैं, आपने पढ़ी भी, आपने मेहनत भी की. कोटा आकर के पढ़ने वाला या किसी भी शहर में पढ़ने वाले, मेरा ये मानना है कि मोर देन 60% बच्चा उतना हार्डवर्क करता है जितनी की सिलेक्शन में नीड होती है, पर तरीके सही नहीं होते. तो मेरा कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि सभी बच्चों को ये सीखना चाहिए कि जो भी कंसेप्ट आपको आता है ना, उसकी इतनी प्रैक्टिस करें, इतनी प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा करें कि उस पर अगर आपको किसी भी तरीके से मोल्ड करके अलग अलग वे में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप इमीडिएटली आंसरेबल हों, ना कि 3 या 4 बार सोचने के बाद आंसर दें. इतनी सी चीज़ समझ में आ जाएगी, डेफिनेटली आप फ्लो के साथ चलेंगे. Learners, for you, what sir is saying, you should really, really follow that, and that will definitely give the success. So, test में कम marks आए उसे घबराना नहीं है, demotivate नहीं होना है, बल्कि जो sir कह रहे हो उस पर focus करिए, right? So, sir, जैसा भी आपने बताया, तरीके गलत हैं. तो उसी से मेरा next question आता है sir, कि अगर जब student preparation कर रहा है, neat student, neat का learner, तो उसको क्या exact study pattern follow करना चाहिए? Study pattern देखिए क्या होता है कि हर बच्चे का अलग अलग हो सकता है, हर लर्नर का अलग अलग हो सकता है.
स्टडी पैटर्न से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके तीन सब्जेक्ट, अगर आप इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से, आप मेडिकल की प्रिपरेशन करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, राइट। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप सबसे पहले उस सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करें जो आपको लंबे टाइम तक याद रह सकता है, इन्फॉर्मेटिव चीज़ों को बाद में पढ़ें, क्योंकि इन्फॉर्मेटिव चीज़ें दिमाग से निकल जाती हैं, वो यूटिलाइज नहीं होती ना। आप देखिए, फिजिक्स है, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, या केमिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं कंसेप्चुअल टास्क के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड है। ऐसे में क्या होता है कि अगर आप एक बार इन चैप्टर्स, इन सब्जेक्ट्स के चैप्टर्स को बहुत स्ट्रॉन्गली प्रिपेयर कर लेते हैं और ठीक ठाक रिवाइज कर लिया आपने कुछ दिनों के लिए, आफ्टर 2 or 3 months भी अगर आप रिविज़न करेंगे तो एक बार आप सारे सवाल सॉल्व कर लेंगे। लेकिन बायोलॉजी है, हम कंपेयर करते हैं बायोलॉजी की, ठीक है, बायोलॉजी इज़ इन्फॉर्मेटिव, लॉजिकल है पर इन्फॉर्मेटिव है, अगर थ्योरेटिकल है इन्फॉर्मेटिव है, उसको अगर आप बहुत स्ट्रॉन्गली आज कर भी लिया और आपने 2 महीने उसको रिवाइज नहीं किया है तो आप 2 महीने बाद वापस जीरो से शुरू करेंगे, भूल जाएंगे, यही होगा। ठीक है, तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है इसमें, कि आपको पहले फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पर मैक्सिमम फोकस करना चाहिए और बायोलॉजी को बाद में लेना चाहिए। होता उल्टा है, हम बच्चे को मैक्सिमम लोग क्या समझाते हैं कि आप बायोलॉजी का 50% वेटेज है भाई, तो 50% वेटेज आप बायोलॉजी ज़्यादा टाइम दो, देना भी चाहिए, मैं इसको मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ऐसा पार्ट है कि अगर आपने इन दोनों को स्ट्रॉन्ग कर लिया, बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो आप कॉन्फिडेंट रहेंगे। एक देखो कंपैरिजन करते हैं ना, एक बच्चे का बायोलॉजी बहुत अच्छा है, बायोलॉजी 50% वेटेज रखता है, और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मिला के 50% वेटेज रखता है, हम दो लर्नर को कंपैरिजन करते हैं, एक लर्नर का 50% यानी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, बायोलॉजी पुअर है, एक लर्नर का बायोलॉजी बहुत स्ट्रॉन्ग है, फिजिक्स केमिस्ट्री पुअर है, किसके पास लास्ट के दिनों में ज्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा? डेफिनेटली उसके पास जिसका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, वो समझ लेगा कि मुझे 2 या 3 महीने में बायोलॉजी बहुत अच्छी कर सकता हूँ, लेकिन उतने टाइम में फिजिक्स केमिस्ट्री पूरी करना पॉसिबल नहीं है। तो स्टडी पैटर्न का मतलब सिंपल सा इतना है कि आप उन सब्जेक्ट्स को पहले एनर्जी लगाकर अच्छा कर लें जो आप लंबे टाइम तक अच्छा रख सकें। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि जिस बच्चे की फिजिक्स बहुत अच्छी होती है, केमिस्ट्री बहुत अच्छी होती है, उसका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का पेपर अच्छा होगा, ये गारंटी होती है। ठीक है, बायोलॉजी क्योंकि 50% वेटेज लगता है, तो हम कहने का मतलब बिल्कुल ये नहीं कि आप रात दिन फिजिक्स में लग जाएं, केमिस्ट्री में लग जाएं, बायोलॉजी को बिल्कुल स्किप कर दें। आप बायोलॉजी पढ़ें, रेगुलर पढ़ें, एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ें, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन क्वेश्चन फ्रेमिंग मोड पे पढ़ें। बायोलॉजी को पढ़ने का तरीका ये होता है, एक पैराग्राफ उठाइए, एक डायग्राम उठाइए, उस डायग्राम में जितने भी इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं उन पे क्या क्या क्वेश्चन एग्जामिनर फ्रेम करके पूछ सकता है, उसको आप पहले से अपने दिमाग में साइकिल चला लें कि यार यहाँ से ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, यहाँ से ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, यहाँ से ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, और ये पॉसिबिलिटीज बनती हैं। अगर आप उस मैनर में बायोलॉजी को पढ़ेंगे तो जो, फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जामिनर हैं, आप क्वेश्चन फ्रेम कर रही हैं, तो जो चीज़ आप क्वेश्चन फ्रेम करते वक्त सोचेंगे मुझे क्वेश्चन यहाँ से बना के देना है, उस इन्फॉर्मेशन को आपने ऑलरेडी थिंक किया हुआ था, तो आप लैंग्वेज इजीली ग्रैप कर लेंगे, सब ये क्या पूछना चाहते हो, उसका आंसर ये होगा। ट्रू। तो बायोलॉजी को हमेशा लिख लिख करके, डायग्राम्स बना करके, और इन्फॉर्मेटिव सब्जेक्ट है तो क्वेश्चन फ्रेम के मोड पे पढ़ें। और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का एक ही फंडा है कि जो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का टाइम आप फिजिक्स केमिस्ट्री को दे रहे हो उसमें 90% टाइम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस पे जाना चाहिए और ओनली 10% थ्योरी पे जाना चाहिए। न्यूमेरिकल अपने आप डिमांड रखता है थ्योरी की, तो अगर आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बच्चों थ्योरी अपने आप रिवाइज हो रही है। तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का तो तरीका यही होता है कि आप 90% टाइम किसको दें, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस को, और ओनली 10% टाइम जो है वो थ्योरी को। सो मेरा आखिरी क्वेश्चन सर से ये है कि सर आपने एम्स AIR-1 वाले स्टूडेंट को मेंटोर किया है, साथ ही नीट AIR-1 के स्टूडेंट को मेंटोर किया है, एंड उसी के साथ IIT AIR-1 वाले स्टूडेंट को भी मेंटोर किया है, आप तीनों के एजुकेटर्स रह चुके हैं सर, तो तीनों में ऐसी कोई कॉमन चीज़ जो आपको मिली हो कि तीनों ने AIR-1 कैसे लेकर आया? देखिए, जितने भी इन तीनों की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी भी जो बच्चे टॉप करते हैं उन सब के अंदर एक कॉमन चीज़ क्या होती है, ये लोग जो हैं वो सीखने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं। आप इनको कोई नया टास्क दोगे ना, कोई चैलेंजिंग क्वेश्चन मिलेगा, कोई चैलेंजिंग कंसेप्ट मिलेगा, दे लव इट, उसको एंजॉय करते हैं। जबकि ऑर्डिनरी बच्चा क्या सोचता है, इट इज़ नॉट माई पार्ट ऑफ माई सिलेबस, मैं इसको क्यों एंजॉय करूँगा, नहीं समझ में आई बात। तो सबसे बड़ा जो इनके अंदर एक बहुत कॉमन चीज़ होता है कि आप उनको कोई भी एक नया, एक चैलेंजिंग, एक मल्टी कंसेप्चुअल टास्क पकड़ाइए, उसको एंजॉय करेंगे, क्या एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम, मुझे मज़ा आएगा, वो फाइट करेंगे, वो डिस्कस करेंगे, वो एजुकेटर को कंसेप्ट तब तक डिस्कस करेंगे जब तक कि उनका कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर नहीं हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़, ये लोग पढ़ाई को एंजॉय करते हैं। जैसे आप एक बात समझिएगा, एक क्रिकेटर है या फुटबॉलर है या कोई भी प्लेयर है, जब वो ग्राउंड में जाता है तो वो अपने गेम को एंजॉय करता है,
ठीक है, अगर वो हार भी रहा होगा मैच में तो भी लास्ट मोमेंट तक वो 100% अपना दे रहा होता है, राइट। ये बच्चे वही कुछ करते हैं कि अगर ये इनको कोई कभी ऐसा लगता भी है कि यार ठीक है आज मेरा दिन अच्छा नहीं रहा है, तो अगले दिन ये अपना और बेहतर देने की कोशिश कर देंगे करेंगे बजाय अपने आप को डीमोलराइज करने के। बाकी बच्चे क्या करते हैं, एक टेस्ट में मार्क्स फॉल हो गए, अपने आप को डीमोलराइज कर लेंगे, पीछे लेके आ जाएंगे। ये लोग क्या करते हैं कि अगर इनके मार्क्स फॉल होते हैं तो अगले टेस्ट के अंदर अपने आप को और बेहतर करने के लिए प्रिपेयर करते हैं, दे आर मेंटली वेरी स्ट्रांग, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप रैंक के लिए पढ़ाई करते हैं तो रैंक नहीं आएगी, ये मान के चलिए। आपका रैंक तभी आएगा जब आप अपने सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को एंजॉय करते हैं। आपको मज़ा आना चाहिए पढ़ने में, आपको नई नई बुक्स सॉल्व करने में मज़ा आना चाहिए, आपको नया नया कंटेंट पढ़ने में मज़ा आना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका नॉलेज इतना बेहतरीन हो जाएगा कि आपसे किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाए आप इमीडिएटली आंसरेबल होंगे, ठीक है। तो और दूसरी चीज़ें बहुत सारी जो हैं मैं बताना चाहूँगा, वो ये हैं कि जैसे कई बार बच्चे ऐसे बोलते हैं कि यार हमारे टेस्ट में मार्क्स गिर गए हैं, हम अपने आप को एक डिमोलराइज फील कर रहे हैं या हम स्ट्रेस में हैं। व्हाट इज़ द स्ट्रेस? नथिंग एल्स। एक फिजिक्स का रूल होता है, फिजिक्स का रूल क्या होता है कि अगर आप किसी बोतल को प्रेस करोगे, किसी मटेरियल को प्रेस करोगे, तो जब आप उसको प्रेस कर रहे हो तो आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, और वो अगेंस्ट, उस प्रेशर के अगेंस्ट इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स से जो आ रहा है वो स्ट्रेस होता है। और प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये होता है कि सराउंडिंग की चीज़ों से आपके दिमाग पर प्रेशर आता है, उसके अगेंस्ट जो इंटरनल आता है वो स्ट्रेस होता है। तो अगर आप प्रेशर ही फील ना करेंगे तो फिर किस बात का स्ट्रेस है? True. तो मैं कह रहा हूँ कि आपको अगर चैलेंजिंग टास्क मिलते हैं तो आप प्रेशर फील करने के बजाय उसको एंजॉय करें, ठीक है। अपने टास्क को डेली प्रिपेयर करें, बैकलॉग ना रखें, ये बहुत कॉमन चीज़ है। अगर आपका प्राइमरी टास्क ये है कि आपको डेली एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ क्वेश्चन सोल्व करने, मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ, मैं बहुत सारे बच्चे ऐसे, आप एक ऑर्डिनरी बच्चे जाके पूछोगे आप फिजिक्स के पर डे कितने न्यूमेरिकल सोल्व कर लेते हैं, बोलेगा 50, 60, 70, 100 बोल देगा, ठीक है। मैं ऐसे बच्चों को जानता हूँ जो पर डे फिजिक्स के 200, 300, 400 न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, उतना ही केमिस्ट्री के भी कर लेते हैं। एवरीथिंग डिपेंड्स, होता क्या, आप समझिए बात को, कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चन की ना, तो ऐसा थोड़ा ना है, मैंने आपसे अभी पिछले आपके क्वेश्चन में आपसे बोला था कि किसी भी चैप्टर के अंदर 5, 7, 10 या 12 ऐसे कंसेप्ट होते हैं जो क्लब होते हैं, उनसे मल्टी कंसेप्चुअल क्वेश्चन फ्रेमिंग होती है, लेकिन उन 5, 10, 12 कंसेप्ट पे आप हजारों सवाल बना सकते हैं। तो अगर आपने 50 क्वेश्चन सोल्व कर लिए किसी चैप्टर के, तो 50 क्वेश्चन सोल्व करने के बाद तो वही कंसेप्ट अलग अलग तरह से रोटेट हो रहे होते हैं, है ना। तो अगर आपने 100 क्वेश्चन सोल्व कर लिए तो उसके बाद वाले 100 क्वेश्चन तो बस उसी तरह से कहीं ना कहीं क्लब होकर के रोटेट होंगे, तो आप बहुत इजीली उनको सोल्व कर लेंगे। और जब आपसे मल्टीपल वे में क्वेश्चन बनना शुरू होते हैं तो आप अपने आप एंजॉय करोगे। आप देखो सिंपल से रूल्स हैं, लाइफ के रूल्स हैं ये, आप इसको पढ़ाई पे ले लो या किसी भी टास्क में ले लीजिए। एक मैच चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, क्रिकेट मैच, राइट। बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं हम लोग इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने के लिए, और लास्ट के 3 ओवर बाकी है, मैच जो है बहुत नेक टू नेक चल रहा है। एक बंदा ऐसा ऐसे क्रिकेट आता ही नहीं है, वो क्रिकेट की ABCD नहीं जानता, उसको आप बड़े से स्क्रीन के सामने बिठा दो, उसको कुछ समझ में नहीं आने वाला क्या हो रहा है। लेकिन जिसको क्रिकेट समझ में आता है उसकी सांसें ऊपर नीचे चल रही होती है, उसको फुल एंजॉय कर रहा होता है। तो आपको किसी भी सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट कब आएगा? जब उसके बेसिक्स आपके क्लियर होंगे। अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आपको वो चैलेंजिंग लगेगा, आप उससे बोर फील करेंगे, है ना। तो टॉपर बच्चे क्या करते हैं कि अपने कंसेप्ट को इतना क्लियर करते हैं कि हर नए नए कंसेप्ट को सीखने में उनको मज़ा आता है, चैलेंजिंग क्वेश्चंस को सोल्व करने में मज़ा आता है। और मैं कह रहा हूँ ना, वो कभी भी रैंक के लिए नहीं पढ़ते, उनका सिर्फ एक ही कंसर्न होता है, आपने उसको क्या टास्क दिया उसको 100% प्रिपेयर करेंगे और अपना स्कोर अच्छा करेंगे, और वो कभी एक दूसरे से कंपेयर नहीं करेंगे, वो अपना 100% देंगे और अल्टीमेटली वो टॉपर बन के निकल जाते हैं। So this is the difference between the ordinary student and topper student. Okay, so this is how you also can become a topper, right? With this, I come to the end of this video. I really liked to talk with sir. काफी सारे insights, काफी सारे motivation मुझे भी मिली है, and I'm sure that वो आपको भी मिली होगी. तो इसी के साथ we end up this video, sir. Thank you so much for being such a great guest here, sir. And I'm so obliged to have you at here, right? So thank you so much. We'll catch up you in the next video. Till then, let's crack it. Let's crack it.